एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक प्रथम सीढ़ी पर क्या होता है वो हम इस पिक्चर में देखने को मिलेगा। एक सच्चाई है जो 80% आज बॉलीवुड में हो रहा है। कोई भी आता है स्ट्रगल करने के लिए, कोई गांव से एक लड़का हीरो बनने आता है तो हीरो बनने के लिए उसका टैलेंट नहीं देखते, ये देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या फ़ायदा कर सकता है, या पैसा हम पर खर्च कर सकता है, या हमारे लिए कोई लड़की ला सकता है। क्या सोच के आया था यहाँ एक्टर बनाने के लिए? या तो लोगों को लड़की चाहिए या फिर पैसे, टैलेंट की तो किसी को जरूरत ही नहीं है, बस चमड़ी और तमड़ी की बातें करते हैं। सब साले चमड़ी है। I'm very happy कि ऐसे crew members के साथ काम करने मिला। जितने भी यहाँ की कास्ट थे सारे लोग बहुत ही हार्ड वर्क है, तो आई फील लाइक बहुत ग्लैड फील करती हूँ कि इतनी लाइक इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम करने मिला, और सभी की अलग अलग कैरेक्टर है तो उन सबसे नया नया चीज़ें सीखने को मिला, तो आई वेरी हैप्पी। एक्चुअली मैं मजबूर हो गई थी मुंबई आने के लिए, घर में बहुत प्रॉब्लम्स है और मुझे काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। बॉलीवुड की सच्चाई है तो जिस तरह से उन्होंने बताया इस तरह की चीज़ें हैं, और इसको देखने से आपको सही मालूम में पता चलेगा बॉलीवुड के अंदर हो क्या रहा है। सर ऐसे ऑडिशन होता है? ऐसे ही होता है, नहीं पता है क्या क्या होता है ऑडिशन? मैं नई हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। आजकल जो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो नए बंदे हैं जो नए कास्ट को पकड़ते हैं वो पूछते हैं कि भाई पहले से ये कंप्यूटर करोगे या पैसा दो। ऐसा नहीं सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से जो सीधे साधे लोग हैं वो भी हालात के हिसाब से अपने आप को हैंड ओवर कर देते हैं उनके। देख बिस्तर में ना सिर्फ जिस्म अच्छा लगता है खेलने के लिए, तो उसके लिए बताया गया कि आप चाहो तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आप क्यों इतनी जल्दी से वो कर जाते हो? बस इस तरह की है, बस ये फिल्म देखने से ताल्लुक रखती है, और मैं तो सभी से कहूँगा जब ये रिलीज हो तो उसको जरूर देखें। हम इतनी आगे पहुँच गए कि हमें जाननी चाहिए कि आगे ये इन सबसे क्या होता है और क्या नहीं, ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि कल को आगे जाके हम कुछ गलत ना कर दें। आदमी कितना भी गलत जा रहा है तो एक मोड़ ऐसा आता है कि उसको लगता ऐसा होता है कि मैंने गलत किया है, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जब दूसरों को यूज़ करता हूँ तो मेरा अपना भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। सच्चाई है बॉलीवुड की कि 80% बॉलीवुड में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे हैं, अच्छे लोग भी इंडस्ट्री में हैं, अच्छे लोगों से भी यहाँ पर काम मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एक लोगों को धोखे में रखते हैं, बहकाते हैं और फिर उनको उसका मिसयूज़ करते हैं। धड़कने बढ़ रही है, धड़कने बढ़ रही है, धड़कने बढ़ रही है, धड़कने बढ़ रही है। अभी के लिए इतना ही। अच्छी सोसाइटी में, अच्छे घर में क्या हो रहा है? ये क्या बेटा, ये क्या पहन रखा है? तुम कॉलेज जा रही हो क्या फैशन शो में? अरे कुछ ढंग के कपड़े पहन लेती ना। हाँ लड़की कहाँ जा रही है, लड़का कहाँ जा रहा है, बाप क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमको सब अच्छा अच्छा दिख रहा है मगर उसके पीछे कालापन क्या है? तो आप अपने घर में अपने बच्चों पर ध्यान रखिए कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो उनको उस लाइन में जाने दीजिए। उनको रोकेंगे तो गलत रास्ता पकड़ेंगे या कुछ करेंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप बच सकते हैं और अपनी फैमिली को भी सही कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का इसके अंदर मतलब वो है, मैसेज है। और दूसरी चीज़ है इंडस्ट्री के बारे में भी सब बताया है, लेकिन इंडस्ट्री के अलावा भी जो फैमिलीज हैं जो है वो अंदर की भी सब स्टोरी दिखाई है कि एक बाप अपनी बेटी को कैसे चाहता है, वो बेटी कैसे गलत रास्ते में निकल जाती है, वो बाप को भी नहीं बताती कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, एक्ट्रेस बनने के लिए उसको कैसे स्प्राइट लोग कर लेते हैं, तो इस तरह की सिचुएशनें हैं। तो इसलिए उसको देखना पड़ेगा और देखेंगे तभी पता चलेगा क्या है क्या नहीं।